फ्रेंड्स नमस्कार, ये किडनैपिंग का केस है जो मेरे साथ कल हुआ। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके घर या जानने वालों को आप फटाफट सूचित कर सकें कि एक ऐसी गैंग चल रही है जो कि लोगों को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को किडनैप कर रही है। कल शाम को 4:30 बजे मेरी वाइफ दूध लेने के लिए घर से निकली, जो 15 मिनट की दूरी पर है। उसके बाद वो घर पर नहीं आई और 6:30 बजे के बाद हम लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया। हमें कहीं नहीं मिली। हम लोग एकदम हर जगह घूमे और रात को 12 बजे मेरी पत्नी मुझे सुल्तानपुर जो मेट्रो स्टेशन है उसके उधर पर मिली। और जो दर्दनाक कहानी उसके साथ बीती वो अभी, क्योंकि अभी वो थोड़ी ठीक हो पाई है, सदमे से उभर पाई है, तो मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो आप लोगों के लिए मैं नीचे डाल रहा हूँ। उसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट करें और दिल्ली में बताएं कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को सेफ रखें और किसी भी अनजान आदमी से कोई भी चीज़ न लें, न देखें, न बात करें। थैंक यू सो मच। आप सब लोग सुरक्षित रहें इस उम्मीद से, और जो मेरे साथ हादसा हुआ है किसी के साथ ना हो। हम बहुत लकी थे, ये दैवीय कृपा रही, ये डिवाइन कोई फोर्स थी जिसने मेरी वाइफ को वापस लौटाया, नहीं तो ऐसे केसेस में किसी का वापस मिल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। हम बहुत लकी हैं कि बच गए। और आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपने सब लोगों को बताएं, सब लोगों को बताएं ताकि किसी के साथ भी कोई भी बुरा हादसा होने से बच जाए। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ से पीछे पीछे के रास्ते से गई थी धोबी को कपड़े देने और दूध देने के लिए। मैंने धोबी को कपड़े दे दिए तो मैंने कहा भैया जब मैं शाम को मंडी आऊँगी अपने देवरानी के साथ तो मैं शाम को लेते आऊँगी, इसलिए अभी दे रही हूँ। तो वो कहने लगा आंटी आपसे मैंने कब बोला था 2 बजे देने के लिए। मैंने कहा मैं आ रही थी भाई लेकिन धूप के चक्कर में आई नहीं, इसलिए मैंने कहा अब दे जाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लियो रात को कर दियो, मतलब मैं ले लूँगी। कह रहा नहीं अब तो कल ही मिलेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं दूध की थैली लेती हूँ। तो कह रहा आंटी मदर डेयरी तो बंद है। मैंने कहा बेवकूफ़, मुझे पता है मैं दुकान से लेने जा रही हूँ। उसको कपड़े देख के मैं दुकान की तरफ ही जा रही थी, वो जो गली है वहाँ से ही मतलब यहाँ से पार करके मैं गई हूँ। दो औरतें उतरी हैं, कह रही अरे ये देखो नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की माला देखो। जो उसमें से खुशबू आ रही थी वो इतनी अच्छी थी। तो मैंने कहा ये कितने की है, मतलब आई टू आई, मतलब आँखों से आँखें देख रही थी मैं उसकी। तो कह रही अरे दिख जाएगा आप देख लो, अंगूठियाँ हैं, माला है। मैंने कहा अच्छा, वो बात ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुंह में कुछ बोल सी रही है, मतलब अब मुझे नहीं मालूम कुछ कुछ मतलब बात तो कर रही थी लेकिन जैसे मंत्र पढ़ते हैं या कुछ बोलते ना, ऐसा लग रहा था मुझे कुछ बोल भी रही है मतलब। पर मेरे को होंठ उसके बोलते हुए कुछ नज़र से आ रही थी। फिर मैं देख रहे थे फिर मेरे को ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं मैंने कोई अपनी नींद की दवाई खाती ना मैं। हाँ कह रही आप और भी देखो, आप आओ देखो यहाँ पे कितना सारा माल रखा हुआ है गाड़ी में, देख आप एक बार देख लो, नहीं पसंद आएगा तो रेट भी लग जाएगा। मैंने कहा कह रही आप देखो। बस उसने मुझे बिठाया बड़े प्यार से एकदम से और खुद मेरे साथ में बैठ गई और उसने तो दरवाजा कर लिया बंद। मैंने कहा हाँ ठीक है करते ना, मतलब फिर मैंने कहा समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कहा। मैंने कहा हाँ तो कह रही ये लो माला। उससे मुझे माला भी दिखाते दिखाते मेरे हाथ में दे दी माला भी और खुशबू आई जाती, मुझे बहुत प्यारी खुशबू आती, इतनी अच्छी चीज़ कर सुनते रहो सुनते रहो। फिर मैं गई, मैं होश में थी भी और नहीं भी थी। फिर मैं गई गई ऐसे दो, एक एक ने साइड से पकड़ रखा था, एक ने साइड से, अब सीढ़ियाँ मेरे से चढ़ी ना जाए, मेरी हड्डी में दर्द हो रहा। वैसे डॉक्टर ने मैं ये भी बोल रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा था, ये वाली मैंने बेल्ट लगा रखी थी। हम ये भी बोल रहे हैं मेरे को, मुझे डॉक्टर ने, मुझे होश तो था नहीं मतलब ऐसे था। मैंने कहा मुझे डॉक्टर ना बना ऐसे में था, मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है सीढ़ी चढ़ने के लिए, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ा। हाँ ठीक है कोई नहीं करके मुझे वो लोग जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बहुत काफ़ी ऊपर तक ले गए। दरवाज़ा खोला, इतना गंदा घर, मतलब गंदा मतलब दीवारें जैसे हमारी तो ऊँची ऊँची बड़ी नीची सी दीवारें सी थी। और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, एक कमरा था छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा था, फिर उससे आगे एक किचन बनाई हुई थी, फिर उससे एक कमरा, उससे आगे कमरा था बाहर रेलिंग से थी। मतलब मेरे को ऐसे मेरा दिल सा घबरा रहा था। मैंने कहा मुझे पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है। मैंने कहा मुझे, फिर कह रही ठीक है आप लेट जाओ आराम से ना। फिर थोड़ी देर तो मेरे दर्द इतना था, ऐसे होश भी थोड़ा सा नहीं था, तो मैं थोड़ा देर तो लेट गई। मैं जैसे ही आँख बंद करी तो मेरे को मतलब मेरी फैमिली दिख रही, मेरे बच्चे दिख रहे, मेरे पति, मतलब मैंने पता नहीं मतलब मैं यहाँ आ गई आया नगर में। और
मतलब अपने बच्चों से बात बात कर रही, मेरे बच्चे देख रहे, 5 मिनट ही हुए थे मुश्किल से, मैं देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ पे हूँ, मतलब मैंने कहा मैं अभी आयनगर में थी, मतलब अजीब सा कुछ समझ। फिर मैं एकदम से उठ के बैठी, मैंने कहा मैं कहाँ, कह रही क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, पानी पीना है, मैंने कहा नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, मैंने कहा मुझे तो घर जाना है, मैंने कहा, कह रही अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी कुछ खाया है तुमने, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाया ना, मुझे कुछ खाना है। फिर फटाफट पता नहीं किसी से चाय मंगाई मुझे वहां तक, मैंने कहा मुझे, फिर कह रही ठीक है आप लेट जाओ आराम से ना। फिर थोड़ी देर तो मेरे दर्द इतना था, ऐसे होश भी थोड़ा सा नहीं था, तो मैं थोड़ा देर तो लेट गई। मैं जैसे ही आँख बंद करी तो मेरे को मतलब मेरी मेरी फैमिली दिख रही, मेरे बच्चे दिख रहे, मेरे पति, मतलब मैंने कहा पता नहीं, मतलब मैं यहाँ आ गई आयनगर में, और मतलब अपने बच्चों से बात बात कर रही, मेरे बच्चे देख रहे, 5 मिनट ही हुए थे मुश्किल से, मैं देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ पे हूँ, मतलब मैंने कहा मैं अभी आयनगर में थी, मतलब अजीब सा कुछ समझ। फिर मैं एकदम से उठ के बैठी, मैंने कहा मैं कहाँ, कह रही क्या हुआ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, पानी पीना है, मैंने कहा नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, मैंने कहा मुझे तो घर जाना है, मैंने कहा, कह रही अरे कुछ नहीं अभी कुछ खाया है तुमने, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाया ना, मुझे कुछ खाना है। फिर फटाफट पता नहीं किसी से चाय मंगाई मुझे वहां तक, नहीं दरवाजा तो वहां था ना 3 कमरे छोड़ के, तो मैं कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई मतलब बेल बजा रहा है, तो मुझे वहां तक भी अलाउ नहीं था कि मैं वहां तक भी चली जाऊँ, बस यहीं बैठना, मतलब यहीं बैठना, मैंने कहा मुझे इस पलंग पे भी नहीं बैठना, मैं नीचे जमीन पे जाके बैठ गई, मैंने कहा मुझे, लेकिन मेरे से जमीन पे नहीं बैठा जा रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार कहीं अपने उसके लिए मैं अपनी मतलब हड्डी में ना मेरे प्रॉब्लम हो जाए, फिर कभी मैं बैठ जाऊँ जमीन पे, मैंने कहा मुझे नहीं बैठना यहाँ पे भी नहीं बैठना। फिर चाय दी उन लोगों ने, मुझे चाय पी लो, मैंने कहा इसमें भी कुछ मिलाया होगा, मैंने कहा मेरे को नहीं पीनी चाय, कह दिया ना चाय पी लो आप, मैंने मतलब तुम करके कह दिया ना तुम चाय पी लो, कुछ नहीं होगा चाय पी लो पानी पी लो, मैंने कहा नहीं, बिस्किट भी दिए मुझे खाने के लिए, लेकिन बस मुझे यही था कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, जब इंसान इतना मतलब सिर्फ दिखाने दिखाने के चक्कर में यहाँ तक आ गई, मुझे पूरा था कि, और लेकिन जबरदस्ती नहीं, अगर ठीक है अगर घर जाना ना तो चाय पी लो, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने भगवान का नाम लेके मतलब होंठ मैंने ऐसे लगाया चाय का, फिर भी मैंने सिर्फ ऐसे मुंह लगा के मैंने कहा मैं पी लूंगी, बस बस एक बार मुझे बस घर तक, मतलब मुझे ये कह दो कि मुझे घर तक छोड़ दोगे, बस एक बार मुझे कहीं आसपास भी छोड़ दोगे तो मैं अपने पति अपने बच्चे किसी को बुला लूंगी अपने घर से, मुझे लेकिन एक बार मुझे वहां तक छोड़ दो आप, कि हाँ ठीक है, कि हाँ ठीक है छोड़ देंगे। बाकी मेरे गले में चैन पहन रखी थी और मेरे कान के थे, मेरा फोन था, मेरा सब कुछ मतलब पर्स वर्स था मेरे, अभी जब मैं उठी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना फोन था ना गले में था ना कान में था, मेरे पता नहीं मुझे कब में से उन्होंने निकाल लिया, क्या किया मुझे नहीं मालूम। फिर दो औरतें मैंने देखी उसमें से बात करी, कह रही अरे उस लड़की को ना अभी काम मत कर देती हो, अभी वो उसकी एज उम्र अभी छोटी है, अभी उससे काम मत करवाई हो। फिर मेरे दिल को हुआ एकदम से कुछ, मतलब मैंने कहा मैं गलत आ गई, मैं गलत फंस गई मैं, तो फिर कह रहे भाई तुम कुछ काम करोगी क्या, मैंने कहा मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मेरी तो मेरी हड्डी गली पड़ी, मुझे मैंने बीमारी बताई, मुझे टीवी की बीमारी है, मेरे डॉक्टर से मैंने कहा मैं एक साल से मैं बेड पे हूँ और मुझे प्लीज घर जाने दो, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाए, मैंने उनको ये भी कहा मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे वहां भी ऐसे उल्टी उल्टी। फिर कह रही एकदम जैसे घिनसी करती, जाओ 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 बाथरूम में जाओ बाथरूम में जाओ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर बाथरूम में गई तो और उल्टी, मतलब इतना गंदा उनका बाथरूम सड़ा हुआ, मतलब ऐसे बाथरूम भी नहीं जाया जा रहा, फिर मैंने सोचा शायद बाथरूम से कहीं जाने का कोई तो रास्ता होगा, फिर मैं बाथरूम भी करके कम से कम मैं 4 बार गई। मैं कह रही उल्टी मत करना यहाँ पे उल्टी मत करना, मैंने कहा नहीं अच्छा मैं उल्टी नहीं करूंगी करके ना, कुछ खा लो तुम्हें अगर उल्टी हो रही है तो ये वो। फिर वो दो औरतें, फिर खाना मंगाया था, दो बच्चे भी आए थे वहां पे छोटे छोटे से थे, दो बच्चे आए, वो दो आदमियों से बात करने गई, वो खाने खोने के चक्कर में, मैंने लिया माता रानी का नाम, मैंने कहा देखी जाएगी अगर पकड़ी गई तो भी देखी जाएगी क्या करेंगी ज्यादा, और अगर अगर थोड़ी सी हिम्मत करी तो मैं बस आराम से दब पाऊँ, मेरे बस तो चप्पल तक भी नहीं थी, जो चप्पल वहां पे पड़ी हुई थी मैंने वो चप्पल पहनी, आराम से कुंडी खोली
और ऐसे भागी मैंने, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। सीढ़ियों में मेरे को लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई लाइट भी नहीं थी मोबाइल की कि मैं मोबाइल की लाइट जला सकती। सबसे नीचे गई तो आदमी चढ़ रहे थे, लड़के, जवान जवान लड़के, और देख रहे थे ऐसे गंदे तरीके से। मैंने फिर पूरा मुंह ढक लिया, मैंने चुन्नी थी मेरे पास, मैंने कहा कोई मुझे मतलब कोई पहचान ले, ऐसे करके पूरा मैंने मुंह ढक के मैं वहां से भागी। और पता नहीं मुझे गली से निकली, वहां से निकली, मैंने कहा कोई मुझे बस इतना बता दे कि भाई बाहर जाने, बस मुझे बाहर सड़क तक जाना, मैं किसी पूछ लूंगी कि मुझे बस बाहर मेन रोड तक पहुंचना है। देखा तो सब कुछ बंद हो चुका था, दुकानें, अब आदमी आदमी, कोई औरत तो दिख रही नहीं मुझे, कोई रास्ते में कोई औरत नहीं दिखी। ऑटो वाले, हाँ जी कहाँ जाना है आपने, मतलब मैं बहुत मुश्किल से फिर कैसे न कैसे करके घूम के यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, फिर हार के मुझे एक मेन सड़क दिखाई दी, फिर मैं वहां से सीधी 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 आई। दूर एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था, मैंने कहा इसके पास जरूर फोन तो होगा, भैया के पास कुछ हो ना हो, मैंने उसके कान में कुछ लगा हुआ देख लिया था, वो जो ब्लूटूथ वगैरह होता, मैंने कहा इसके पास फोन भी होगा। मैंने उससे मिन्नत करी, मैंने कहा भैया एक फोन कर लूँ आपके फोन से। फिर मैंने अपनी बेटी को फोन किया, उसको बुलाया आपके पास।